सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इस बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस, आप लोग अगर न्यू मोड खेलते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे न्यू मोड में एक गाड़ी ऐड हुई है जिसका नाम भैया सुपर बाइक है। और वो गाड़ी भाई कहीं भी चल जाती है। और आज के इस वाले गेम प्ले में आप लोग को उस गाड़ी का बिल्कुल सही इस्तेमाल देखने को मिलेगा। हम लोग जाते भैया ब्रिज पे, वहां पे ब्रिज कैंप हो रहा होता है और हम लोग ना ही उन बंदों को मारते हैं ना वो बंदे हम लोग को मारते हैं, फिर भी हम लोग ब्रिज को कैसे क्रॉस कर लेते हैं, बस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। फिलहाल की बात करें तो हम लोग आते हैं टेस्ला कंपनी में। और भाई ये वाला गेम जो है ना, पता नहीं यार इतना ज्यादा क्यों लैग हो रहा था मेरा और मेरे टीममेट का। पता नहीं भाई कैसी लॉबी लग गई थी। बहुत बंदा है यार तेरे पास। देखे 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 अब देखो, इस टीम के मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया है, जिनमें से कि एक बंदे की पेटी बना दी है और इस बंदे को भी अच्छा डैमेज दे दिया है। ये बंदा तो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा, लेकिन इस टीम का एक बंदा और बचा है जो कि भैया न्यू गन चला रहे हैं, तो फटाफट उसको भी पेलते हैं। भागा तरफ चलो। और ये रहता है इस टीम का लास्ट बंदा जो कि भैया बोट को पेल रहा था, क्योंकि उस बंदे को लूट ही नहीं मिली थी। और भाई इसी के साथ ये वाली जो कंपनी रहती है भैया पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। तो फटाफट अपनी टेस्ला गाड़ी बनाने का कार्यक्रम जो स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं उसको लेके। कसम से सबसे बड़ा बीपीएल लगा हुआ था इसलिए बोलो मैं लैग कर रहा है। अब देखो, ये वाली जगह से निकलने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे भैया स्कूल अपार्टमेंट की तरफ, लेकिन तभी मेरे को सामने वाले स्टेशन में एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और यहाँ पे मेरा गेम देखो भाई क्या ही लैग हो रहा है। और भाई सच में इस बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ। यहाँ पे देखो मेट्रो का गेट भी बंद हो चुका है और ये बंदा मेरे कब्जे में आ चुका है। अब इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। और पता नहीं यार ये वाली लॉबी मेरा डिवाइस इतना ज्यादा क्यों लेग हो रहा था, मेरा ही नहीं हो रहा भैया, मेरे टीममेट का भी गेम बहुत ज्यादा लेग हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस बंदे के सामने इमोट वगैरह मैं करने लगता हूँ और इसको पता चल चुका था कि भैया मेरी जो है पेटी बनने वाली है, इसलिए ये बंदा जो अपना सामान वगैरह सबको ड्रॉप कर देता है। लेकिन मैं इसकी पेटी अभी नहीं बनाता हूँ, मैं जाता हूँ स्कूल की तरफ, इस मेट्रो को जाने देता हूँ। मेरे को लग रहा था कि स्कूल की तरफ इसके बंदे होंगे तो उसको बचाने आएंगे, लेकिन देखो क्या होता है। गेम पूरा कर रहा है हल्का हल्का। यहाँ पे आके मेट्रो रुक जाती है तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और अपनी टेस्ला में बैठते और फिर निकलते हैं यहाँ से। बंदों को भी तो सपोर्ट करना है भाई। अब देखो, इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं जाता हूँ अपार्टमेंट में, लेकिन भैया मेरे को कोई भी अपार्टमेंट में एक भी बंदा सपोर्ट नहीं होता। उसके बाद मैं जा रहा था पोचिंग की तरफ, लेकिन तभी मेरे को सामने की तरफ से जो है कुछ फायर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस बंदे को तो मैं नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ, लेकिन जैसे मेरा टीममेट इसकी पेटी लूटने लगता है तो मेरे टीममेट के पास में एक नेट फटता है, यानी कि भैया इसका टीममेट अभी बाकी है। Watch out! अब देखो, यहाँ पे आने के बाद मेरे को इसका टीममेट भी दिख जाता है और इस बंदे को मैं इतना खतरनाक डैमेज देता हूँ ना, ये बंदा नॉक भी नहीं होता भाई। मेरे को लगता नॉक हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं इस बंदे के ऊपर रश करने के लिए, लेकिन ये बंदा जो है कूद के भाग जाता है। और ये रहता है बोट, लेकिन बंदा जो है भैया सामने की तरफ भाग के गया, तो पकड़ते हैं जरा उसको। ओ चाचा, अपने टीममेट का बदला तो लेके जाओ यार, ऐसे कैसे भाग रहे हो, मार तो देते कम से कम हम लोग को। अब खैर यार, इसी के साथ इस बंदे की हम लोगों ने पेटी बना दी, इसकी पेटी लूट के हम लोग निकल ही रहे थे तभी। तभी भैया स्कूल की तरफ से एक M24 चलती है, तो मेरे टीममेट को मैं बोलता हूँ भैया स्कूल की तरफ बंदे फटाफट अपनी टेस्ला लिया और फटाफट इनके ऊपर रश करते हैं। और आगे जाने के बाद जो सीन होंगे ना, बस वो देखना तुम। कहाँ से पड़ा था तुमको स्नाइपर? स्कूल के साइड में जो एलिवेटर है ना वहाँ पर रोको, पूरा गाड़ी 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 के साथ में ऊपर चले जाएंगे। इधर 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 इधर, इसको ऊपर रोको।
अब देखो अपनी टेस्ला लेके मैं इन बंदों के ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ, और यहाँ पे रहती है भैया लिफ्ट, मेरा टीममेट बोलता है इस लिफ्ट के ऊपर अपनी गाड़ी खड़ी रहने दो, अपन गाड़ी के साथ ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इतने भैया मेरे को ऊपर की तरफ से फुटस्टेप आने लगते हैं, तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी भगाता हूँ और सीधा जाता हूँ ऊपर की तरफ इस वाली जगह से। और यहाँ पे जैसे ही आता हूँ भाई, तो मेरे को दो दो फुटस्टेप आने लगते हैं और मेरी फट जाती है। मैं सोचता हूँ भैया जीने के पास बंदा कैम कर रहा है, अगर ऊपर जाऊंगा तो मेरी पेटी बन जाएगी। लेकिन यार यहाँ पे तुम्हारा भाई हिम्मत बना के ऊपर की तरफ जाता है और मेरे को एक बंदा भी स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नेट वगैरह फेंकता हूँ, लेकिन नेट वगैरह से उतना कुछ होता नहीं है। तो मेरा टीममेट बोलता है कि मैं यहीं पे रहता हूँ और तुम जाओ भैया लिफ्ट से पीछे से इनकी पेटी बना के आ जाओ। और वहाँ पे मैं जैसे ही जाऊँगा उसके बाद जो सीन होंगे ना भाई, उसको देखना बस तुम। नीचे से वो एलिवेटर लेके जाओ, यहाँ पे रुक रहा हूँ। Watch out! देखो इस टीम के मैंने दो बंदों को नॉक कर दिया, जिसमें से कि एक बंदे की पेटी बना दी। लेकिन इस टीम का एक बंदा और है जो कि सामने की तरफ है, और जब मैं गया था ऊपर बंदों के ऊपर रश करने के लिए, तो ये बंदा जो एक कवर दे रहा था भैया M249 से। और भाई फाइनली इसी के साथ इस बंदे को यहाँ पे मैं नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इस टीम का जो लास्ट बंदा रहता है ना भाई, वो देखना कहाँ पे रहता है और भाई क्या कर रहा होता है, देखो बस। मेरे पे ऊपर 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 रूम में जाओ, इधर मेरे पे। ये देखो भाई क्या कर रहा है यहाँ पे बंदा, ऑफलाइन बैठा पड़ा यार। और भाई क्या ही कर सकते, तुम्हें तो पता भी है तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा लालची है किल के लिए, इसलिए इस बंदे की हम लोग यहाँ पे पेटी बना देते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भैया सामने की तरफ एक टेस्ला गई थी जब मैं इस बंदे के ऊपर रश कर रहा था। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से। अब देखो स्कूल से निकलने के बाद वो टेस्ला को मैं बहुत ज़्यादा ढूंढता हूँ, लेकिन भैया वो गाड़ी मेरे को नहीं दिखती। लेकिन तभी मेरे को एक गाड़ी दिखती है सामने की तरफ, और इन बंदों को मारने की ट्राई करता हूँ। लेकिन बंदा जो भैया बहुत खतरनाक गाड़ी चला रहा था इसलिए भाग गया, और ये बंदे मेरे को पता है कहाँ जाके रुकेंगे भैया, सामने की तरफ दो कंपाउंड है वहाँ पे 100% रुकेंगे। अगर वहाँ नहीं रुकेंगे तो भैया वान हाउस में रुकेंगे। तो फटाफट पहले कंपाउंड चेक करते हैं। और भाई जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे बंदे 100% रुके होंगे। अब यहाँ पे देखो इस टीम के मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और आगे मैं जाने लगता हूँ, तभी मेरे को सामने वाले घर से फुटस्टेप आते हैं। और भाई फाइनली यहाँ पे मैं इस बंदे को भी नॉक कर देता हूँ, और आगे मैं जैसे ही जाता हूँ तो सबसे पहले मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ। तभी मेरे को सामने की तरफ से एक फुटस्टेप आता है, इसका मतलब भैया इसका जो लास्ट बंदा है वो सामने की तरफ है। और यहाँ पे मैं मोली वगैरह फेंकता हूँ, लेकिन देखो यार मोली वगैरह कुछ उतना होता नहीं है। तो मैं सीधा आगे की तरफ रश करने लगता हूँ, और आगे जाने के बाद जो गलत सीन होंगे ना भाई, वो देखो तुम। चलता हूँ ऊपर आ
भाई साहब मेरे को लगता है बंदा जो है रिलोड करेगा अपनी गन को, लेकिन भैया ये तो गन स्विच करके मेरी पेटी बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट ने मेरे को बचा लिया। और इसी के साथ भैया ये वाली स्क्वाड की हम लोग यहाँ पे पेटी बना देते हैं। तो भाई फटाफट यहाँ पे रिवाइव होते हील वगैरह करते और फिर निकलेंगे यहाँ से और बंदों को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे देखो हील वगैरह करके मैं सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि भैया यहाँ की तरफ से ही अपन को जोन जाना था। और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तभी मेरे को लेफ्ट की तरफ से जो है एक फायर आता है, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ बंदों को चेक करने के लिए। और बस देखो फिर Marked a location. अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को सामने की तरफ वो बंदा भी स्पॉट हो गया था, लेकिन भैया ये बंदा जो है सामने की तरफ किसी को मार रहा है। अब ये बंदा फिर से मेरे को दिखता है, इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन भैया इस बंदे के पास में M24 या कोई सी भी स्नाइपर तो है, लेकिन भैया अगर मैं इसके सामने पीक लूंगा तो ये बंदा शायद से मेरे को नॉक भी कर सकता है। उसके बाद अगर इसकी पूरी की पूरी टीम रही तो हम लोग के ऊपर भैया रश भी कर सकते हैं, पेटी भी बन सकती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ भैया अपनी सुपर बाइक उठाता हूँ, इन बंदों के ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। भाई साहब गाड़ी देख रहे हो क्या ही खतरनाक तरीके से ठुकी, और भाई वहां पे एक बंदा भी लेटा था। अच्छा हुआ मुझे वो बंदा दिख गया, वरना ये बंदा हम दोनों की पेटी बना देता। अब यार कुछ भी हो सामने की तरफ हम लोग को रश करना है, और भाई जहां तक मुझे लग रहा है भाई वो वाले घर में दो बंदे हैं। अब खैर यार जो भी हो यहाँ तक आ गए तो रश तो करना ही पड़ेगा यार, फटाफट रश करते हैं उनके ऊपर, जो भी होगा देखी जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं सोचता हूँ इस गेट के ऊपर चढ़ते हैं भैया, ऊपर चले जाएंगे, लेकिन भैया इतने मेरे को पीछे की तरफ से एक M24 पड़ती है, और भाई मेरी वेस्ट जो इन लोगों ने पूरी खत्म कर दी है। इसका मतलब भैया पीछे की तरफ भी टीम है, और अगर हम लोगों ने ऊपर वाले बंदों के ऊपर रश नहीं किया तो ये सामने वाली टीम हम लोग की पेटी बना देगी। तो भैया फटाफट ऊपर वाले बंदों के ऊपर रश करते हैं अब। Watch out! और भाई फाइनली इसी के साथ ये टीम तो क्लियर हो जाती, लेकिन जिस बंदे ने मेरे को M24 मारी थी भैया वो पूरे के पूरे तीन बंदे, और उन तीनों बंदों ने हम लोग के ऊपर रश कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आए तो थे तीन बंदे और इस टीम के पूरे चार बंदे रहते हैं, जिनमें से भैया दो बंदों की हम लोग पेटी बना देते हैं, और दो बंदे यहाँ से भाग जाते हैं इन बंदों को छोड़ के, क्योंकि भाई उन लोग को जाना था जोन में, और यहाँ पे उनको पता था कि भैया एक ही रास्ता है जोन में जाने का, वो है ब्रिज, इसलिए वो बंदे ब्रिज कैंप करने लगते। लेकिन तुम्हारे भाई के पास रहती भैया सुपर बाइक, और वो बाइक पानी में भी बिल्कुल फास्ट चलती है, देखो। अब देखो इस बाइक को लेके हम लोग जोन में आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग जा रहे थे ब्रिज पे उन बंदों के ऊपर रश करने के लिए, लेकिन भैया यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो आज हमारा सच में इजी चिकन डिनर हो जाता है। उन बंदों ने भैया खुद ही आत्महत्या कर ली, मतलब गाड़ी फोड़ ली और दोनों बंदे मर गए। पता नहीं ऐसा क्यों किया उन बंदों ने, शायद से उन बंदों को लग रहा था कि भैया हमारी पेटी बनने वाली है इसलिए खुद ही मर जाओ। अब क्या ही कर सकते हैं, इसी के साथ हो जाता है हमारा इजी चिकन डिनर। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना, गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ तुम्हारा भाई डेली 7 बजे से लाइव स्ट्रीम करता है, वो भी फेस कैम अपने सेकंड चैनल पे, तो हो सके तो उसको सब्सक्राइब कर लो भाई।